स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है उसका लास्ट पार्ट करेंगे। उसका लास्ट पार्ट रहता है, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन देता है तो उसका रिडक्शन होता है, और लेता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिया Zn+O2, ये रिएक्शन करने के बाद बन गया ZnO, जिंक ऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया तो ये H2+O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास थी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन। अब ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन था, ये हमने पढ़ा था बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड बाय लूज ऑफ ऑक्सीजन मेथड के द्वारा। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन का एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका होगा रिडक्शन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जानते हैं उसके बारे में। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये रिएक्शन कैसे हुई है, या फिर इसकी बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय हम सोडियम ले लेते हैं, ये हम नमक बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हुई क्यों है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 8 थे, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, पहले में 2 थे, दूसरे में 8 थे, और थर्ड में 7 थे। तो यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना था और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ऑटोमोस्ट कंप्लीट सेल कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, 1 पॉजिटिव बना लेगा और अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा 1 नेगेटिव। जब ये रिएक्शन हुई है तो रिएक्शन होने के बाद सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन देखता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और उसका होता है ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसका होगा रिडक्शन। और एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी, जैसे एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप देखोगे एल्यूमिनियम जो था वो तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, जब आप इसके ऐसे ही वैलेंसी निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपने खुद निकाल के देखनी है। एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाले का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और नेगेटिव चार्ज वाले का क्या हुआ है, रिडक्शन। क्लियर? सिंपल सी बात है, आपको मैंने एक चीज और सिखाई थी, जो मेटल होती है, मेटल को मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है, वो इलेक्ट्रॉन देखती है दूसरे को, तो मेटल का अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और नॉन मेटल का हो जाएगा रिडक्शन। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब क्या होता है और रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, और ये दोनों किस से एसोसिएट करती हैं, इनमें ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, ये हमने सीखना है। कोरोजन का मतलब होता है लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, और आप सभी को पता है रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, जब आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है Fe2O3 × XH2O, ये बना है। ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, वो एक जंग का फॉर्मूला, मतलब आयरन जो है, आयरन का यहां पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, व्हेन आयरन पीस लेफ्ट इन हिम्ड एटमॉस्फेयर वेयर वाटर इज प्रेजेंट एंड एयर इज आल्सो प्रेजेंट, देन द आयरन इज कन्वर्ट इनटू आयरन ऑक्साइड, दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का। अब आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है विंस होना,
रिंस मतलब भोजन का खराब होना, भोजन का रेंसिड होना, ठीक है। ये किसके कारण होता है? जब आपने देखा होगा जो कुरकुरे या चिप्स के पैकेट आते हैं वो फूले हुए होते हैं। क्यों फूले हुए होते हैं? क्योंकि उनके अंदर गैस भरी जाती है। जब वो गैस निकल जाती है तो जो फूड होता है उसका रेंसिड हो जाता है, वो उसका रिडक्शन हो जाता है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकल जाती है और भोजन के अंदर से स्मेल आने लग जाती है। यानी रेंसिडिटी का मतलब होता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू रिडक्शन। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू रिडक्शन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है यार। इसकी आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो वो मेरे से कॉल करके पूछ सकता है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।